So welcome everyone, welcome to Sadeva classes. So today we are going to take a poem of standard 8 Hindi Sulabh Bharati. Name of the poem is He Matrabhumi. Poem ka naam hai aapka kavita ka naam hai He Matrabhumi. Likha hai Ram Prasad Bismil ji ne. Theek hai, inka janm hua tha 1897, mrityu tha 1927 Uttar Pradesh mein. ये महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे और क्या थे वो देखिए आगे सेनानी बल्कि उच्च कोटि के कवि. देखो स्वतंत्र सेनानी भी थे ये और उसके साथ वो एक कवि थे, उच्च कोटि कवि थे, अनुवादक थे, बहुभाषाविद साहित्यकार भी थे. आपने देखो आपने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी. सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है. बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते हैं. देखो किसी भी पोएम या फिर किसी भी कविता या फिर जो आपका गद्य होता है, पाठ होता है, उसके पहले आपको परिचय दिया जाता है इन कवियों का या फिर जो भी लेखक है उनका. वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. इसका कारण यह है कि ये सच में बहुत बड़े आदमी होते हैं, बहुत ही प्रमुख हस्तियां होती है. इनका हमें मान सम्मान या फिर हमको याद करना है. हमें प्रमुख कृतियां इनकी है मन की लहर और आत्मकथा आदि. चलिए आगे जाएंगे. क्या लिखा इन्होंने तो प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एक स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है. यह आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है. देखो इनका जो समय है वो समय था हमारे इंडिपेंडेंस के पहले का. तो जो भी इन्होंने लिखा था ये सब मातृभूमि के लिए उन्होंने लिखा है. चलो मैं पढ़ूंगा और इसका कुछ जो भी अर्थ मुझे जितना हो सके मैं आपको बता दूंगा. हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊ. हे मातृभूमि मैं क्या करूँ तेरे चरणों में मेरा शीश मेरा सर में झुकाऊ. नवाऊ मतलब झुकाऊ. मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊ. मेरी जो मेरी भक्ति है मैं आपके में मेरी भक्ति सिर्फ मेरी मातृभूमि के लिए, हमारे देश के लिए हमारी भक्ति है. आपको यही बता दूं कि आप किसी भगवान को मानो या ना मानो, लेकिन अगर आप अपने देश के प्रति पूरी श्रद्धा से आप देश के प्रति सोचोगे, देश के प्रति अगर आपकी पूरी श्रद्धा हो तो आपको किसी भगवान के भी मतलब भगवान से भी पहले हम तो बोलेंगे कि हमारी ये मातृभूमि ये भारत भूमि हमारी है. माथे पे हो चंदन छाती पे तू हो माला. जीवा पे गीत हो मैं तेरा जीवा पे गीत तू हो मेरा. तेरा ही मैं नाम गाऊं. मैं सिर्फ तेरा नाम गाना चाहता हूँ. मेरे जीवा पे तेरा ही गीत हो, माथे पे चंदन तेरे ही नाम का हो और छाती पे माला हो वो भी तेरे ही नाम की हो. जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊ. मैं तेरे निज शीश पे चढ़ाऊ. तो देखो सपूत मतलब अच्छे पुत्र, सपूत मतलब अच्छे पुत्र, ठीक है. शीश नीच शीश पे चढ़ाऊ, उसी धूल को मैं तेरी नीच शीश पे चढ़ाऊ. माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊ. देखो आपको पता होगा कि हमारे दक्षिण दिशा में समंदर है, हिंदी महासागर है. तो वो जो समंदर है तो ये समुंदर जो है ये समुंदर हमारे भारत देश के चरण नित्य धो रहा है. और कवि कहता है कि मैं वह चरण दबाऊ, मैं चरण वह दबाऊ. सेवा में तेरी माता में भेदभाव तज कर, वह पुण्य तेरा नाम तेरा प्रतिदिन सुनू सुनाऊ. मैं तेरी सेवा करूँ और तेरा ही नाम मैं प्रतिदिन सुनू और सुनाऊ. तेरे ही काम आऊ, तेरा ही मंत्र गाऊ, मन और देह तुम पर बलिदान हो जाओ. मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ मातृभूमि के लिए ही अपना बलिदान देना है. मेरा जो देह है, मेरा जो मन है, मेरा जो तन है, मैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए देना चाहता हूँ, मातृभूमि के लिए देना चाहता हूँ. ठीक है. तो इस तरह से छोटी सी छोटा सा आपके पोएम है. क्वेश्चन आंसर्स भी आपके पास, आप लिख सकते हैं. अगर किसी को कुछ पूछना है इसमें डाउट तो आप वही पूछ सकते हैं. छोटे छोटे क्वेश्चन है आप देखो उसको कुछ बादशाह बिंदु में निम्न विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्य प्रयोग करो. ये जो चिन्ह है इनका आपको नाम लिखना है. जैसे आपका प्रश्न पहला चिन्ह है पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, योजक चिन्ह, ये दो बार आए हैं प्रश्न चिन्ह. ठीक है, इस तरह से आपको है.
चलिए।